सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जरवा जनेवली की छात्रा साक्षी ने जमा दो की परीक्षा में 96.6% अंक लाकर टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया है। साक्षी ने इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद न केवल स्कूल प्रबंधन का बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली साक्षी करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर प्रतिदिन स्कूल पहुंचती हैं। स्कूल के कार्यकारी प्रधानाचार्य केदार सिंह सूर्यवंशी ने बताया कि साक्षी होनहार छात्रा है और शैक्षिक गतिविधियों में हमेशा आगे रहती है। उन्होंने बताया कि साक्षी की उपलब्धि के बाद स्कूल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साक्षी इस तरह मेहनत कर भविष्य में अपने सपने को साकार करेगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि हाल ही में साक्षी को 10वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सरकार की तरफ से लैपटॉप भी प्राप्त हुआ है। वहीं साक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापकों और अपने परिजनों को दिया है। साक्षी ने कहा कि वो प्रशासनिक सेवा में जाकर IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। इसके लिए वो पूरी मेहनत करेंगी। अपनी पाठशाला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जरवा जुनाली के लिए आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हिमाचल प्रदेश पाठशाला स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो परिणाम निकला है उसमें जमा दो की इस पाठशाला की छात्रा साक्षी ने 96.6% अंक प्राप्त करके टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है और अपनी पाठशाला के लिए गौरव लाया है। हमें इस छात्रा पर बहुत गर्व है। साक्षी पूर्वत पहले से ही पढ़ाई में काफ़ी अव्वल रही है। 10वीं कक्षा में भी इसने 88% मार्क्स प्राप्त करके अभी हाल ही में पारितोषिक स्वरूप लैपटॉप प्राप्त किया है। और आने वाले समय में जब मेरी बात हुई है साक्षी से तो साक्षी ने कहा कि ये रोज चार से पाँच घंटे पढ़ाई किया करती थी, अपनी माँ के घर के कार्य में हाथ बटाती थी। सामान्य परिवार से लड़की आती है, अपने पाठशाला कोई विशेष पाठशाला नहीं है, परंतु इन बच्चों की मेहनत ने, अपने सारी टीम की मेहनत ने आज इस पाठशाला को विशेष पाठशाला बनाया है, जिसे हमें बहुत गर्व हो रहा है। हमें इस छात्रा पर बहुत गर्व है। इस छात्रा ने कहा कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाकर अपनी भूमिका अदा करना चाहती हूँ, राष्ट्र को सेवाएं प्रदान करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगी और आने वाले समय में अपनी सफलता को सुनिश्चित करूँगी। हमारा पूरा आशीष इस पाठशाला के सभी अध्यापकों सहित पाठशाला की शुभकामनाएं और सब पाठशाला का आशीष इस छात्रा के साथ है। प्रभु इसको इसके कार्य में सफलता प्रदान करे, ये उत्तरोत्तर अपनी उन्नति निश्चित कर सके और आने वाले समय में अपने पग चिन्हों को इस प्रकार से स्थापित कर सके कि इतिहास के पन्नों पर वो हमेशा के लिए अंकित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, धन्यवाद। आज मैं जिस भी मुकाम में पहुंची हूँ ये मेरे विद्यालय के सभी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से संभव हो सका है। इसलिए मैं तहे दिल से सभी अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आगे भी सभी टीचर्स का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे और मैं भविष्य में एक IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अध्यापकों का आशीर्वाद सदा मेरे साथ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।